पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पहला टी20 मुकाबला 19 नवंबर को दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। उससे पहले आज पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस मैच का आज पहला सेशन मुकम्मल कर लिया है, जिसमें सारे खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और इसके अलावा पाकिस्तानी टीम में चंद तब्दीलियां भी की गई हैं। टीम में हैदर अली और शाहनवाज धानी को भी शामिल कर दिया गया है, और उसके अलावा जो टी20 वर्ल्ड कप में खिलाड़ी बाहर थे उनको भी टीम में शामिल करने का फैसला किया गया है। और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए भी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है। उसके अलावा अगर प्रैक्टिस मैच की बात करें तो हसन अली ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करके दिखाई है। इस प्रैक्टिस मैच में हैदर अली ने हसन अली का सामना किया, जबकि फखर जमान ने शाहनवाज धानी को फेस किया, और पहला प्रैक्टिस मैच भी 20 रनों से जीत गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली होनी चाहिए, और अगर तब्दीलियां होनी चाहिए तो वो कौन सी होनी चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, क्या मोहम्मद रिजवान को पहले मैच के लिए टीम से बाहर करना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।